लय माना सर्जन, विलय माना विपरीत, लय माना विसर्जन। सर्जन कब होता है वो तो आप ज्ञानी सब जानते हो। ब्रह्मांड के शुरुआत में ब्रह्मा द्वारा सर्जन होता है और विसर्जन शंकर द्वारा विनाश होता है। विनाश माना विसर्जन, लय से विपरीत, वी माना विपरीत, लय। तो ये सिर्फ कॉमन चीज है, साधारण चीज है, लय विलय सर्जन विसर्जन होता रहता है ब्रह्मांड के अंदर हमेशा। कब होता है? प्रतिपल। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है प्रतिपल लय विलय होता रहता है धरती पर हर पल, जहां भी देखो तो सर्जन विसर्जन होता रहता है, तो लय विलय होता रहता है धरती पर प्रतिपल। इससे आगे देखो तो चार युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है, तो अर्ध प्रलय को भी अर्ध विसर्जन कहेंगे। सर्जन और विसर्जन होते रहते हैं। मन्वांतर में भी मनु शत्रुप का टाइम पूरा होने पर भी धरती पर पूरा विलय होता है, विसर्जन होता है, और बाद में नया मनु आता है मनु शत्रुप, तब सर्जन होता है लय होता है। ऐसी तरह कल्प प्रलय में भी सर्जन विसर्जन होता है। महाकल्प प्रलय में पूरा ब्रह्मांड का विलय होता है, पूरा ब्रह्मांड शिव सूर्य में प्रवेश करा के काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर अपने अंदर समा लेते हैं, उसको विलय कहते हैं। ऐसी तरह महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने अंदर समा लेता है, उसको विलय कहते हैं, विसर्जन कहते हैं। और जब महाशिव एक संकल्प मात्र से अनंत अनंत शिव पैदा करता है, अनंत अनंत शिव शिव का सर्जन होता है, निराकार शिव का सर्जन होता है, तब उसको लय कहेंगे। तो ऐसे यूनिवर्स में भी होता है, यूनिवर्स में भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। ग्रेट यूनिवर्स में भी एक बार सर्जन होता है, फिर वहां भी सर्जन विसर्जन होते रहते हैं। बाकी और ग्रेट यूनिवर्स से आगे या यूनिवर्स से आगे विसर्जन सर्जन विसर्जन नहीं होता, केवल ब्रह्मांड में होता है, महाब्रह्मांड में, गैलेक्सी में, मैंने आकाशगंगा में होता है, कभी कभी यूनिवर्स में होता है। इससे आगे यूनिवर्स से आगे एक बार सर्जन हो जाता है, बाद में विसर्जन कभी नहीं होता। केवल हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा ब्रह्मांड का एक बार विलय हुआ था, 100 कला वाला, हमारा 100 कला वाला ब्रह्मांड की बात करती हूँ, मल्टीवर्स की बात करता हूँ। मल्टीवर्स में भी जब 100 कला वाला ब्रह्मांड का जो मालिक है उसके पास पावर नहीं था, तब उसने पूरा बेहद की महाकाल अग्नि पैदा करके पूरा 100 कला वाला ब्रह्मांड को विसर्जन करा लिया था, अपने अंदर समा लिया था। बाद में उसने सर्जन किया, दोबारा सर्जन किया, जो आप मल्टीवर्स में देख सकते हो। तो ये सर्जन विसर्जन जहाँ होता है, जहाँ तत्वों की दुनिया होती है वहाँ सर्जन विसर्जन होता रहता है। हाँ, जहाँ परम तत्वों की दुनिया होती है वहाँ अमरलोक होता है। अमरलोक में एक बार सर्जन होने के बाद विसर्जन नहीं होता, एक बार लय हो गया फिर भी विलय नहीं होता। इसलिए केवल हमारे ही मल्टीवर्स में लय विलय होता रहता है, बाकी दूसरे ग्रेट मल्टीवर्स, ग्रेट ग्रेट मल्टीवर्स कहीं भी एक बार लय हो गया, सर्जन हो गया, बाद में विसर्जन कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ बेहद का अमरलोक है। इसलिए बहुत गहरी और समझने की बातें हैं, सबको एक गहरी बात समझ में आ जाए, ज्ञान सागर में डूबो, तो ये जब समझ में आ जाएगा तो आपकी बुद्धि खुल जाएगी, और जब बुद्धि खुल जाएगी तो और आगे ज्ञान समझ में आ जाएगा। परम शांति।